हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मिशन 12 मई के सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिस पेपर नंबर फोर और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके पहले हमने तीन प्रैक्टिस पेपर पर वीडियोज़ दे दी हैं और जिसमें कि हमने पार्ट वन टू थ्री फोर करके टोटल ट्वेल्व वीडियोस दिए हैं आपको जिससे कि आपका प्रैक्टिस वन से लेकर थ्री तक अच्छे से एनालिसिस करके आप प्रिपेयर कर सको तो उसी सीरीज में फर्दर हम प्रैक्टिस पेपर फोर के साथ आज प्रेजेंट हैं एंड दिस इज पार्ट वन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बट उस सभी से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ आप सबसे आपका अपना कोऑपरेशन जरूर दीजिए हमें चैनल को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और साथ साथ अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें सो लेट्स स्टार्ट टू डिस वीडियो सो एज ऑलवेज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक लिस्ट के साथ जो कि होगा उन टॉपिक्स का दोज वी आर विच आर गोइंग टू कवर अंडर दिस वीडियो first one is importance of coordination then features of planning then principles of order then features of business environment then concept of legal environment then concept of social environment objectives of management examples of micro environment concept of coordination concept of controlling concept of communication

ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के इन तीन चीजों के बारे में बातचीत होगी देन प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ से भी देन मार्केटिंग फिलासफी देन एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सॉरी एक चीज और बचा फोर पीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फोर पीज को लेकर के भी क्वेश्चन होंगे आज तो एज यू ऑल नो कि पार्ट वन है जिसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दैट ऑलवेज इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली एंड कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें कई पैटर्नस के क्वेश्चन होते हैं इन द ब्लैंक्स भी होता है मैच द फॉलोइंग भी होता है है ना और कुछ केस स्टडीज़ कुछ डायरेक्ट कुछ इन डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का कोलाज ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन

और ऑप्शन है आपके ग्रोथ इन साइज देन फंक्शनल डिफ्रेंसीशन स्पेशलाइजेशन एंड नन ऑफ द ऑप्ता सो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट अगर आप कोऑर्डिनेशन के मीनिंग को अच्छे से समझते हैं एंड इस केस में दिए गए स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसका आंसर सही करेंगे आई बिलीव इट तो ऑप्शन है करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी दैट इज फंक्शनल डिफ्रेंसीशन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी if license is the only uh, is if license is only with stc which stands for state trading cooperation uh, then companies have no choice but to import the technology through stc only but if there are four to five import agencies included in this task then the planners have to evaluate terms and conditions of all the agencies and select the most suitable form फ्रॉम द कंपनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू जैसा कह रहे हैं यहाँ पर कि इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी इफ़ द लाइसेंस इज ओनली विद एस टी सी अगर इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस टी सी से ही परमिशन ले करके करना होता तो उसके इसमें कोई च्वाइस नहीं है लेकिन अगर हम कहें कि ऐसे काम के लिए चार से पाँच इम्पोर्ट एजेंसीज हो बन होते अगर तो जो कंपनी uh, है उनको प्लान करना पड़ता है इवेल्युएट करने के लिए कि हम किसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के बाद मोस्ट सुटेबल अपने लिए किसको चुन लें सो अब पॉइंट ये है विच फीचर ऑफ प्लानिंग हैज बीन हाईलाइटेड इन द अब पैराग्राफ। तो पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड देन प्लानिंग इज परवेसिव अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जो आपको प्लानिंग के प्रोसेस के भी स्टेप्स को दिखाता है जहां पे ये लिखा था कि इवेलुएट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑल एजेंसीज एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल जिसमें हम पढ़ते हैं इस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इवेलुएशन ऑफ द अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड देन उसमें से बेस्ट वन को सेलेक्ट करना यानी सेलेक्टिंग एन अल्टरनेट उसी से आपको इस केस का जवाब यानी फीचर्स ऑफ प्लानिंग मिल जाएगा बड़े आराम से आखिरकार इसमें हो क्या रहा है आपने इवेल्युएशन करना था कर लिया एंड देन उसमें से मोस्ट सुटेबल को अपने कंपनी के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से चुन लिया तो यहां पर कुछ और नहीं आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपने चॉइसेस में से सबसे बेस्ट को चुन रहे हैं सो so, आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्लानिंग इनवॉल्व डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड तो ये मैनेजमेंट के दिए गए प्रिंसिपल जो फोर्टीन है फ्योल ने दिए हमें उनमें से किसी प्रिंसिपल का बहुत ही डायरेक्ट एंड की स्टेटमेंट है एंड इट इज इट इज दिस इज़ वेरी ईजी वन टू आइडेंटिफाई है ना तो यहाँ पर बोला गया कि चाहे वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हो और चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो उन सभी का एक प्रॉपर राइट प्लेस होना चाहिए है ना और उसको अगर वो नहीं प्रोवाइड करते हैं तो किस प्रिंसिपल को वायलेट किया गया तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डिविजन ऑफ वर्क पहली बात तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता बिकॉज ये कौन सा प्रिंसिपल आपका है साइंटिफिक रेस्ट ये तीन है फ्योल के दिए गए प्रिंसिपल्स और इन्हीं में से एक होना है आपका आंसर ठीक है क्योंकि प्रिंसिपल पूछे हैं ना कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो यहाँ पे जवाब है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्योंकि जो ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में बताया गया है वो यही है कि देयर शुड बी राइट देयर शुड बी अ प्लेस ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड वी सपोज दैट की जो प्लेस है उसी प्लेस पर वो फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल रहे जिससे कि कोई इनडिसिप्लिन कोई भी हॉज पॉज के सिचुएशन ना क्रिएट हो क्वेश्चन नंबर फोर इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स बाय फिफ्टीन परसेंट वुड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट तो एक पॉइंट बताया गया कि जीएसटी में अगर पंद्रह परसेंट से इंक्रीज़ किया जाए तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाती है विच वुड हेल्प द गवर्नमेंट टू इंप्रूव सोशल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ पीपल एंड रिड्यूस द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रिच पीपल तो इससे हम गवर्नमेंट uh, क्या कर सकती है सोशल बींग पीपल का जो है वो सो, स, एक तरह से सोशल वेलफेयर कर सकती है और जो रिच क्लास के लोग हैं उनका डिस्पोजल इनकम यानी कि जो खर्च करने लायक पैसे होते हैं वो भी कम हो जाएंगे एंड देयर बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन जिससे कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होता है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबब कौन सा फीचर ऑफ एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट यहां बताया गया कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड डायनेमिक एंड ऑल द अब अगर आप वन बाय सबको सोचें तो कॉम्प्लेक्स तो डेफ़िनेटली इस पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है क्योंकि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है जीएसटी में चेंज होगा जिसके वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा उसके वजह से गवर्नमेंट जो है सोशल हेल्प कर सकती है पब्लिक की एज वेल एज डिस्पोजेबल इनकम जो रिच पीपल्स की वो कम हो जाएंगे एज वेल एज़ उसके वजह से इन्फ्लेशन भी कम होगा या कंट्रोल में रहेगा तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स भी है इसी को इंटर रिलेटेड भी कहते हैं अब अगर आपको समझ में आ रहा है कि किसी क्वेश्चन का जवाब आपको ए भी लग रहा है बी भी, भी लग रहा है भले मान लेते हैं नेक्स्ट को मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा बट अगर आपको ऑप्शन में ऑल द एवब दिख रहा है और आप कन कॉन्फिडेंट हैं कि आपके एक से ज़्यादा चॉइसेस आपको समझ में आ रहे हैं एंड उसमें ऑल द एब का भी ऑप्शन है तो अनडाउटडली आपका ऑप्शन करेक्ट बनेगा ऑल द अबब रेस्ट रह जाता है आपका तीसरा ऑप्शन डायनामिक डायनेमिक जैसा आप जानते हैं कि जो कि कभी फिक्स नहीं होता चेंज होता रहता है तो उसको भी यहाँ पे शो किया गया है तो इन दैट वे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑल द एब नेक्स्ट आते हैं पांचवे द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट विच इंक्लूड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेंटर स्टेट और लोकल तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं ये जो हमारे डायमेंशनस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट होते हैं पांच उनमें से किसी एक के सारे की फ़ीचर्स कह सकते हो आप सारे की एलिमेंट्स कह सकते हो कंपोनेंट्स कह सकते हो जिससे मिलकर वो बना है उसका कुछ लिस्ट है ये तो इट इज़ वेरी इजी वन टू आइडेंटिफाई खासकर यहीं से आपको हाईलाइट हो जाता है कि विच इंक्लूड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन ठीक है तो ऑप्शन है फिलहाल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एंड लीगल तो जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको शुरुआत में ही दो वर्ड से ही हेल्प मिल जा रहा है लॉ एंड लेजिस्लेशन तो इट इज अ लीगल इन्वायरमेंट एंड दैट्स ऑप्शन नंबर 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 डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेट द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स गारमेंट बिजनेस एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिवाली ईद क्रिसमस को लेकर के इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की बात बता रहे हैं किन किन को क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं या मिलती हैं आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एन्वायरमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबब तो यहाँ पर आपको करना क्या है आइडेंटिफाई करना है बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा डायमेंशन इफेक्ट में आया है दैट मीन्स माइक्रो एन्वायरमेंट पाँच चौहत्न में से कौन सा है एंड अगेन इट इज़ वेरी इजी वन टू आइडेंटिफाई सोशल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल एन्वायरमेंट एंड लीगल एन्वायरमेंट तो ये बहुत ईजी था रिकॉग्निशन क्योंकि दिवाली ईद क्रिसमस की बात हो रही है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विद द डेफिनेशन ठीक है तो आपके सामने है इसके चॉइसिस आपको दिया गया सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रॉफिट इनके डेफिनेशन बस आपको मैच करना है प्रॉपर डेफिनेशन किसकी है जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम नंबर टू में डेफिनेशन दिया है टू प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन एक डेफिनेशन है टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन मार्केट देन टू एंश्योर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस अच्छा कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो आपका पहला टर्म दिख रहा है उसी को पहले तलाशने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है या दूसरा तीसरा तो मैं बताऊं आपको कभी भी ऐसा मत करिए आपको जिसका मैच जिससे दिखता हुआ लगता हुआ लगे, लगे पहले उसको कर लेना है आपको जैसे अगर मैं एज़ अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ तो मुझे बहुत डायरेक्ट चीज़ दिख रही है ये कि टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द कॉम्पिटिशन मार्केट जो कि ऑलवेज आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल की ही बात होती है और अगर हम बात करें टू इंश्योर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी इसमें ग्रोथ वर्ड आ चुका है डेवलपमेंट आ चुका तो ये किसके लिए हो सकता है तो ग्रोथ के लिए हो सकता है तो अनडाउटेडली तो तीसरा और पहले का मैच बनेगा तो इस तरीके से मैच देख रहे हैं कि ए के लिए सेकेंड है बी के लिए थर्ड है देन सी के लिए वन एंड दीज आर द ऑप्शंस तो करेक्ट आंसर मैंने आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड थर्ड वन यानी सर्वाइवल के लिए सेकेंड इसके लिए ग्रोथ के लिए थर्ड एंड प्रॉफिट के लिए फर्स्ट ठीक है दिस इज द परफेक्ट मैच क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कम अंडर स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट तो पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है एक्चुअली तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे बिजनेस एन्वायरमेंट बेसिकली दो एलिमेंट से बने हैं एक्सटर्नल ही है बेसिकली इंटरनल को हम इसमें कंसिडर ही नहीं करते तो उसमें एक आता है माइक्रो और एक आता है मैक्रो ठीक है तो माइक्रो का मतलब वो होता है जो बिज़नेस को लिमिटेड फॉर्म में इफ़ेक्ट डालता है एंड स्पेसिफिक कैटेगरीज में और मैक्रो वो होता है जो हर एक बिजनेस का वाइडर वे में इफ़ेक्ट डालता है तो पूछा गया है कौन सा ऐसा है जो स्पेसिफिक नहीं है ठीक है तो कस्टमर्स सप्लायर्स ट्रेड यूनियंस एंड इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म तो जैसे आप कस्टमर देखें तो हर बिजनेस के अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं सप्लायर्स होते हैं ट्रेड यूनियंस होते हैं तो ये कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो बिज़नेस को असर तो डालते हैं बट लिमिटेड फॉर्म में और टू द स्पेसिफिक बिजनेस ओनली तो दैट्स वाई ये स्पेसिफिक फोर्सेज के पार्ट होते हैं लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसा एक चीज है जो अगर हो जाता है तो वो किसी एक बिज़नेस को नहीं पूरे एक बिज़नेस को उस इकोनॉमी के अंदर जितने बिजनेस आते हैं सब पे इम्पैक्ट डालता ही है तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि ये हमारे स्पेसिफिक फोर्स नहीं है दिस इज इज जनरल जो हमारे इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स है। हैं हैं नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर तरफ डैश द इंटीग्रेशन सिंक्रोनाइजेशन और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन डायरेक्शन टूवर्ड्स द अकंप्लीसमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव तो आपको ओवरऑल इस पूरे सेंटेंस में किसी का डेफिनेशन या मीनिंग दे दिया गया है जिसमें की वर्ड टू आइडेंटिफाई आपको मैं बताना चाहूंगा सिंक्रनाइजेशन आप ऑलवेज इस वर्ड को रट लेना किसी चीज के लिए है मैं अभी बताता हूं आपको आंसर के साथ ऑप्शन है मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एंड कंट्रोल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कोऑपरेशन हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबली नहीं होगा क्योंकि हमने अपने मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की मीनिंग को पढ़ा है मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े हैं और जो मैनेजमेंट का फंक्शंस का एसेंस है यानी मैनेजमेंट के एसेंस जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इसको भी पढ़ा है लेकिन कोऑपरेशन को एज अ सेपरेट टॉपिक या यूनिट हमने नहीं पढ़ा तो इसलिए कोऑपरेशन हो सकता आपको है आपको च्वाइस हमें ले बट जस्ट इज़ फॉर कन्फ्यूजन पर्पज वो आंसर कभी नहीं बनेगा तो अब हम बात करते हैं कि यहां पे मैंने सिंक्रनाइजेशन को हाईलाइट किया था क्यों क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो कोऑर्डिनेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड पार्ट है मीनिंग का तो जब भी आपको कोई पहचानना है है और तो है या शॉर्ट में एस वाई एन सी सिंक लिखा होता है तो सिंक्रनाइशन का शॉर्ट फॉर्म है तो ऑलवेज कंसिडर इट एज कोऑर्डिनेशन तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया इसी के साथ साथ ऑप्शन नंबर बी दैट इज कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व पहले फिर आप ध्यान देंगे नेम द फंक्शन ऑफ ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो फंक्शन कितने हैं पांच प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन्हीं में से एक जवाब होगा इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ईजी हो गया यहाँ से इन बातों के साथ कि ऐसा फंक्शन है वो जिसमें क्या होता है इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट टू मेक श्योर दैट द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स डिवाइडेड डिवाइज टू अटेन्डम आर बींगस्ड तो इस तरह से ऑप्शन है आपके पास प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सॉरी स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जैसे मैंने पहले कहा था बहुत ईजी है रिकॉग्नाइज करने में तो ऑप्शन है आपका करेक्ट वो है कंट्रोलिंग तो यह रहा आपके सामने आपका आंसर कंट्रोलिंग ऑप्शन नंबर डी नैक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बट उस सभी से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट क्योंकि हो सकता है आप वीडियो को देखते देखते वीडियो के फ्लो में क्वेश्चन के फ्लो में कहीं ना कहीं एक काम भूल सकते हैं या भूल गए होंगे और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना तो एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें अभी आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर टेन डैश कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ व्यूज मैसेजेज इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू पर्सन टू और मोर पर्सन बाई डिफरेंट मीन्स तो ये बहुत सिंपल एक मीनिंग है अबाउट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग करेक्ट आंसर जैसा आपने सभी ने पिक कर लिया होगा आई गेस सबने सही सोचा होगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवेंथ आल्टरनेट नंबर वन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजियर एज द फोकस इज ओनली टू अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स और बताना चाहूँगा आप सभी को ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वो दो ही होते हैं फंक्शनल या तो डिविजनल तो ऑप्शन है नेटवर्क स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल और मेट्रिक्स तो अगर हमारे चॉइस में चार में से ये नाम आपको दिख रहा है तो इसको पहले ही हटा दीजिए और मेट्रिक्स को हटा दीजिए हमारा आंसर ऑप्शन बी या सी में से ही एक हो सकता है

एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसलाइजें तो ऑल दीज हाईलाइट टू स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और जो आपको अभी पता चल जाएगा फिलहाल ऑप्शन देख लीजिए डिवीजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड रेस्ट टू तो का तो कोई वैसे भी मतलब नहीं निकलता क्योंकि ये हमारा कोई आंसर हो ही नहीं सकता तो अब हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर अगेन ठीक है नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थी प्रोडक्शन लिमिटेड Has decided to diversify from manufacturing health drinks to cereals made from millets. They are well aware of the fact that the company will have to communicate to the people the benefit of eating millets. For this purpose, they plan to sponsor various events like uh, marathons and encourage people to switch to healthy eating through newsletters. आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल बिंग डिस्कस्ड अब तो देख सकते हो आप हेल्थ प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स ज्वार बाजरा को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ना क्या करना चाहते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए उनके बेनिफिट्स बताएंगे कि क्यों खाने चाहिए हमें और उसके लिए वो क्या करेंगे मैराथन्स वगैरह जैसे इवेंट्स uh, करेंगे ऑर्गेनाइज पीपल को अवेयर करेंगे और उनको uh, ये रिक्वेस्ट करेंगे या अवेयर करके उनको कहेंगे कि आप हेल्दी फूड के तरफ स्विच करिए थ्रू द न्यूज़ लेटर्स तो यहाँ पर कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ किया गया है एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तो अगर आपने पब्लिक रिलेशन की तैयार किया हुआ है तो आई डोंट थिंक कि आंसर uh, हो हो समझने में दो सोर्स क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हमें कुछ केस uh, या एक पैराग्राफ मिलेगा जिसके बेस पर हमें चार चार क्वेश्चन का आंसर देना है तो ये आपके सामने एक बड़ा सा केस ध्यान से समझिएगा हर्ष वर्क एज अ मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी ही ओपन अ डीमेट अकाउंट विद अ ब्रोकिंग हाउस इन ऑर्डर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज विद द मनी ही रिसीव्ड एज इज फर्स्ट परफॉर्मेंस बोनस तो कह रहे हैं कि हर्ष ने एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया है किससे ब्रोकिंग हाउस से ताकि वो ट्रेडिंग कर सके सिक्योरिटीज में और उन पैसों से खुलवाए जो उसको पहले परफॉर्मेंस बोनस के तौर पर मिला है अपने सॉफ्टवेयर कंपनी से ही ऑल्सो गेट अ कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम ब्रोकिंग हाउस विच स्टेट्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज ऑफ द ट्रेड और साथ साथ इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मिला है अपने ब्रोकिंग हाउस से जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स या एंड ऑब्लिगेस लिखे हुए हैं कि कभी भी आप किसी पार्टी से डील करते हैं तो क्या आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगे सिंस देन ही हैज बीन वेरी एक्टिव इन द स्टॉक ट्रेडिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर हाव एवर वेन ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फ्यू डेज दिस ईयर तो क्या होता है कि अब कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं एंड हिज वाइफ रिसिव्ड सेवरल कॉल्स फ्राम हिज स्टॉक ब्रोकरस फॉर परमीशन टू ट्रांजेक्ट ऑन हर्शेज बिहार तो जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनके कॉल आते हैं फ्रॉम सेवरल स्टॉक ब्रोकर्स जिनको उनकी वाइफ अटेंड करती हैं जिसमें कि वो ब्रोकर्स परमिशन मांगते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए हर्ष के बिहाव पर दो शी टोल्ड हिम टू वेट टिल हर हजबेंड हैड रिकवर्ड द स्टॉक ब्रोकर वेंट अहेड एंड एग्जीक्यूटेड द ट्रांजेक्शन तो उन्होंने बताया कि जब तक उनके हस्बैंड ठीक नहीं हो जाते आप वेट करिए लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स ने क्या किया वो प्रोसेस आगे बढ़ा देते हैं और ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं वेन हर्श गॉट होम फ्रॉम हॉस्पिटल ही डिस्कवर्ड दैट द अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हैड लेड टू लॉस फॉर हिम तो जैसे वो सही होते हैं रिकवर होते हैं घर पहुँचते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं तो पता चलता है कि उनके अनऑथोराइज uh, ट्रांजेक्शन्स हुए हैं दैट इज़ बिना परमिशन हुए हैं जिससे कि उनको लॉस हुआ हर्स कंप्लेंट टू द बोकिंग हाउस बट दे क्लेम्ड ही हैड ऑथोराइज द ट्रांजेक्शंस तो उन्होंने अपने ब्रोकिंग हाउस को कंप्लेन किया लेकिन वो कहते हैं कि आप ही के ऑथोराइजेशन के बाद ये ट्रांजेक्शन हुआ और हमने केस में पढ़ा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था कीपिंग इन व्यू द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड गाइडलाइंस इश्यूड बाई द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट ही हैड रेड इन द न्यूज न्यूज नेशनल न्यूज पेपर हर्ष डिमांडेड प्रूफ एंड थ्रटेंड टू फाइल अ कंप्लेन तो हर्ष ने uh, इन सभी जानकारियों को रखने के बाद क्या किया कि अपने ब्रोकिंग uh, हाउस को कम्प्लेंट दिया या उनको धमकाया कि अगर आप uh, नहीं करेंगे इसका कंप्लेन को uh, आगे प्रोसीडिंग तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन डालूंगा सिंस द ब्रोकिंग हाउस हैड नो एविडेंस दैट द डील हैड बीन ऑथोराइज इट एग्री टू पे कंपनसेशन फॉर द लॉस दैट हर्स हैड इन ड्यू टू द ट्रांजेक्शन तो क्योंकि उनके पास कोई लीगल एविडेंसेस थे ही नहीं कि ऑथोराइज ट्रांजेक्शन था इसलिए उन्होंने एग्री किया कि वो कंपनसेशन देंगे जो कि हर्स को एज अ लॉस फेस करना पड़ा है बट ब्रोकिंग हाउस डिलेड दिस मैटर एंड रिडेंट पे एनी कंपनसेशन और चलाकी के साथ उन्होंने इस मैटर को डिले किया और कोई भी कंपनसेशन दिया ही नहीं ही फर्दर कंप्लेट अबाउट द इश्यू टू अपेक्स स्टेचुरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट दैट इज सेविंग तो आ, उन्होंने जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे खास जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस के तौर पर काम करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस करते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेवी उनके पास कंप्लेन अपना लॉन्च किया विच इम्पोज अ हैवी पेनाल्टी ऑन ब्रोकिंग हाउस आफ्टर इंस्पेक्टिंग दिस इश्यू तो एक अच्छा खासा केस था काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर आते हैं नेम द अकाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट एंड आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें उस पैराग्राफ से कुछ भी लेने की जरूरत है ऐसे भी हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जवाब जानते ही हैं ऑप्शन डीमेट अकाउंट सिक्योरिटी अकाउंट सेविंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट तो ऑल वी वी ऑल नो दैट ऑप्शन नंबर ए दैट इज डिमेट अकाउंट इज मैंडेटरी टू डील इन द स्टॉक मार्केट तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु इज़ एक्टिंग एज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर हर्ष तो हर्ष के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पर कौन एक्टिंग कर रहा है या एक्ट कर रहा है एंड फॉर द प्रॉपर क्लैरिफिकेशन यू शुड रीड वॉट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड उसके एग्जाम्पल्स भी आपको पते पता होने चाहिए बैंक इन्वेस्टर्स ब्रोकिंग हाउस एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बट अगेन कहूंगा बहुत डिफिकल्ट नहीं था ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ब्रोकिंग हाउस नेक्स्ट है आपका फिफ्टीन क्वेश्चन नेम द डॉक्यूमेंट दैट इज लीगली एनफोर्सेबल एंड हेल्प्स टू सेटल द क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द ब्रोकर तो वो डॉक्यूमेंट आपको पहचानना है जो लीगली इन्फोर्स करता है सेटल करने के बीच में एक इन्वेस्टर ब्रोकर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नोट गाइडलाइंस इशूड अन न्यूज़ इन पेपर आर्टिकल इशूड बाय से बी और नन ऑफ दीज तो यहाँ पे इसकी बात ऑलरेडी आ चुकी है केस में कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसमें राइट्स एंड ऑब्लीगेशन बताए गए होते हैं विज द फॉलोइंग फंक्श्शन ऑफ से बी हैज़ बीन स्टेटेड इन द अबअब केस तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फंक्शन के नाम गिनाए थे उनमें से कौन सा फंक्शन है जो सेबी का यहाँ हाईलाइट हुआ है प्रोटेक्टिव डेवलपमेंटल रेगुलेटरी नन ऑफ दीज तो बहुत ईजी था अगेन इसका आंसर और वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन जिससे हर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हुई है नाउ नेक्स्ट सेवेंटीन से ट्वेंटी के लिए नेक्स्ट केस है जे टी एम लिमिटेड लॉन्च बडी लाइन एंड एक्सरसाइज बुक एंड कॉम्प्रीहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम कम्प्राइजिंग ऑफ बॉल पेन्स जेल पेन्स जोमेट्री बॉक्सेज एंड स्कूल बैग्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ दैट मार्केट तो इतने बड़े लाइन में आपने देखा कि एक बडी लाइन नाम के एक्सरसाइज बुक या फिर कहें तो अब ब्रांड नेम की बात हो रही है जो कि एक्सरसाइज बुक कंप्रिहेंसिव स्टेशनरी आइटम्स को प्रोवाइड कराता जिस है जिसमें कि बॉल पेन है जेल पेन पेन् ज्योमेट्री बॉक्सेस है स्कूल बैग्स भी हैं और जिसको इन्होंने क्या किया आफ्टर द आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर के बाद इसको लॉन्च किया ऑल देयर प्रोडक्ट्स वर ऑफ गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली बट एक्सपेंसिव तो सारे जो है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और इको फ्रेंडली भी हैं एंड दैट इज वाई एक्सपेंसिव भी हैं they wanted to distinguish their product from the other competitors. They spent a lot of efforts, time and money in increasing the brand name, as they knew that without a brand name, they can only create awareness for the generic products and can never be sure of the sale of their product. देखो generic product का मतलब होता है कि आप जिस चीज को बेच रहे हो वो generic क्या है। जैसे कि आपने pen बेचा, तो ये किस stationery items के अंदर आता है, तो stationery उसका generic name हुआ। आप car बेचते हो, तो car भी एक जेनरिक होगा बट उसके अंदर आप स्मारती सुजुकी की कार की बात करते हैं तो वो एक ब्रांड नेम हो जाता है ठीक है तो जेनरिक मतलब जिस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर वो ब्रांड नेम के ऊपर एफर्ट नहीं करते हैं समय का खर्चा या मनी का खर्चा नहीं करते हैं तो उसके बिना वो लोगों में अवेयरनेस तो फैला देंगे कि स्टेशनरी आइटम ये है वो है लेकिन वो अपना किसी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं करा पाएंगे तो उससे उनका ग्रो नहीं हो पाएगा द अफर्ट पेड ऑफ एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्टेड ग्रोइंग और जैसा कि उन्होंने अपना समय स्पेंड किया पैसे भी स्पेंड किए इन चीज़ों के ऊपर ब्रांडिंग के ऊपर तो जिसका फायदा उनको मिला और उनका प्रोडक्ट डिमांड मार्केट में काफ़ी ग्रो करता है द कस्टमर लाइक द ब्रांड एंड बिकम हैबिचुअल टू इट दे डिड नॉट माइंड पेइंग अ हायर प्राइस तो डेफिनेटली जब ब्रांड आपका सेट हो जाता है पॉपुलर हो जाता है तो लोगों को कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होती है हाई प्राइस देने के लिए क्योंकि वो जान रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम अ स्टेटस सिम्बल टू बाय बडी लाइन ब्रांड बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी तो जैसे आज हम सब स्टेशनरी के आइटम्स यूज़ करते हैं तो हमारे सामने क्लासमेट्स नाम का रजिस्टर आपके हाथ में होता है मोस्ट प्रॉबली या फिर डोम्स uh, नाम के जो रबर्स हैं इेजर्स हैं आपके जो है शार्पनर्स हो गए स्टेशनरी के अदर आइटम्स हो गए आपके हाथ में देखने को मिल जाते हैं अक्सर ठीक और ऐसे पेन में भी हम किसी न किसी ब्रांडेड पेन को अक्सर यूज़ करते हैं देखते आए हैं तो इस तरह से एक लोगों के सोसाइटल स्टेटस में एक पॉइंट आ जाता है कि बडी लाइन नाम के ब्रांड के अगर हम स्टेशनरी आइटम यूज करते हैं तो ये एक प्राइड बात हो गई द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग दैम वन डे मानसी took हर नीज राधा टू परचेज स्टेशनरी आइटम एंड वॉज delighted वेन सी गॉट अ पेंसिल बॉक्स फ्री विद द बैग ऑफ ब्रांड बडी लाइन फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही उनको अच्छा लगा जब उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट में जेमेट्री बॉक्स सॉरी पेंसिल बॉक्स फ्री मिलता है विद द बैग ऑफ ब्रांड बडी लाइन तो ये एक अगेन इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक केस था आपके सामने नाउ ऑन दैट बेसिस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी फॉलोड बाई जेटीएम लिमिटेड ऑप्शन है प्रोडक्ट प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग तो मार्केटिंग जो आपका फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट है जब आप उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फोकसेज हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उनमें के सारी बातें ऑलमोस्ट इसमें बताई ही गई हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटियर्स हाईलाइटेड इन द अब केस ब्रांडिंग का एडवांटेज जो यहाँ बताया गया प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड ऑल द अबक तो इस केस में प्रोडक्ट के डिफ्रेंसिएशन की भी बात हुई है कंप्यूटर से कंपीटूटर से अलग एडवर्टाइजिंग की भी बात हो रही है आपका उसमें ब्रांड बन रहा है तो आप लोग लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानने से लगे हैं डिफरेंशियल प्राइस भी होने लगा तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ऑल द अबब इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देन नाइनटीन क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन स्टेटेड इन द अब पैराग्राफ तो कौन सा टेक्निक फॉलो हुआ है सेल्स प्रमोशन का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूजेबल बेनिफिट फ्री सैम्पल एंड क्वान्टिटी प्लस तो देखिए प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का ही यहाँ पर एग्जाम्पल आया है कि आपने बैग खरीदा उसके साथ आपको क्या फ्री मिला पेंसिल बॉक्स फ्री मिल गया यूजेबल बेनिफिट्स कुछ और होते हैं कि आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अदर जैसे सर्विसेज वगैरह आपको फ्री पैकेजेस वगैरह मिल गए फ्री सैम्पल का मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में होता है जब आप कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो पब्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे होते हैं कुछ परचेज नहीं करेंगे पब्लिक बट आप फ्री में बांटेंगे यूज़ करने के लिए एंड क्वान क्वांटिटी प्लस यानी जैसे दस परसेंट एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्लस हो गया तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखने को मिला है बैग के साथ एक पेंसिल बॉक्स का फ्री मिलना तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट आंसर देन आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टू वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज नॉट बीन स्टेटेड इन द अब केस कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं मिला है प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन तो फोर पीस के अकॉर्डिंग हम सोचें तो हमारे इस क्वेश्चन में कौन सा नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं प्लेस मिक्स जो होता है उसके बारे में कुछ जानकारी इस पर इसमें नहीं मिली प्रोडक्ट के बारे में मिला है प्रमोशन के बारे में मिला है लेकिन प्लेस के बारे में नहीं मिला इसलिए नन ऑफ डीज तो हो नहीं सकता ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ प्लेस तो ये था आज का वीडियो और जैसा आप सभी जानते हैं पार्ट वे वन थोड़ा सा लेंथी वीडियो होता है क्योंकि पार्ट वन में ट्वेंटी क्वेश्चन हमारे थर्टी फोर में से ट्वेंटी क्वेश्चन मोर देन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा एक लंबा वीडियो जरूर होता है बट आई नो कि आप सभी के लिए बहुत कुछ इसमें सीखने समझने के लिए होता है और हमेशा की तरह आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ आपको आने वाले समय मिलते रहेंगे बार बार मिलते रहेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन आने तक और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिनको की इस वीडियो की बहुत ही जरूरत है और इन्हीं सपोर्ट के साथ ये अवेयरनेस ये ये सारी प्रिपरेशन आप अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए भी पहुंचा सकते हैं तो बने रहिए चैनल पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय